हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एना मानी और आप देख रहे हैं कोरा बुलेटिन। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। खबरों में सबसे पहले है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति का चौथा करोड़पति हमें मिल चुका है, वो है बिहार के अजीत कुमार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब तक इस सीजन के 3 करोड़पति हमें मिले हैं और ये चौथे करोड़पति है। इसकी पुष्टि सोनी टीवी के ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट करके दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में अब तक सरकार नहीं बन पाई है, ऐसे में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने की योजना बना रही है। देखते हैं अब सरकार बन पाती है या नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिवसेना भाजपा से अलग हो गई है, दोनों के बीच तकरार हो चुका है और महाराष्ट्र में दोनों को बड़ी पार्टी घोषित की गई थी और राज्यपाल ने दोनों को न्योता दिया है सरकार बनाने के लिए, लेकिन दोनों की अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगली खबर है दिल्ली से। जेएनयू में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान जेएनयू के छात्र कथित फीस वृद्धि और छात्रावास ड्राफ्ट मैनुअल को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में पुलिस ने वाटर कैनन बॉल का इस्तेमाल किया विरोध को रोकने के लिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर के दिल्ली में बैठक शुरू है। इस बैठक में सुशील कुमार शिंदे, अहमद पटेल और कई बड़े नेता शामिल हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार पर पेच फंसा हुआ है, ऐसे में कांग्रेस ने जल्द ही बैठक बुलाई है जिसमें सोनिया गांधी, अहमद पटेल और कई बड़े नेता शामिल हैं। एनसीपी ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस के सर्वसम्मति से ही सरकार बनेगी। नेक्स्ट अपडेट है उद्धव ठाकरे के बारे में। उद्धव ठाकरे एक हिंदुत्ववादी नेता हैं, ऐसे में अगर कांग्रेस और अकंपा के समर्थन वाली सरकार महाराष्ट्र में बनती है, क्या उद्धव ठाकरे अपने हिंदुत्व वाली छवि को नरम कर पाएंगे? ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बन सकती है, क्योंकि बैठक जारी है। नेक्स्ट अपडेट है आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड में अगर किसी का पता, किसी का मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक्स में कोई बदलाव कराना होता था तो किसी भी तरह के चार्ज नहीं होते थे। यह चार्ज अभी भी वन टाइम नहीं है, लेकिन अगर यह 2 बार सुधार कराया जाएगा तो ऐसे में आपको 50 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में आग से आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यहाँ के जंगलों में तेजी से आग फैल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने वहाँ इमरजेंसी की व्यवस्था कायम की है। नेक्स्ट अपडेट है मोटर व्हीकल के बारे में। अक्टूबर में मोटर की खरीदारी पर मामूली सा सुधार हुआ है। अपडेट है एसएससी के बारे में। एसएससी के एमटीएस का पेपर फर्स्ट का रिजल्ट फिर से जारी किया गया है। ऐसे में 9551 अतिरिक्त उम्मीदवारों का एक फ्रेश लिस्ट तैयार किया गया है। ये उन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। आज है हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती। इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट अपडेट है जियो के बारे में। रिलायंस जियो ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। यह यूजर्स के लिए बहुत ही किफ़ायती है। इस प्लान के तहत 2 GB डेटा पर डे मिलेगा यूजर्स को। 1000 मिनट IUC कॉलिंग भी फ्री मिलेगी। व्हाट्सएप यूजर को लग सकता है झटका, क्योंकि व्हाट्सएप के जासूसी प्रकरण सामने आने के बाद व्हाट्सएप ने फोन पे, पेटीएम जैसी भुगतान सेवा को खत्म करने की बात कही है। पहले दिसंबर तक यह वॉलेट सेवा शुरू होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि पेगासस स्पाइवेयर के व्हाट्सएप यूजर के हितों को पहुंचे खतरे के बाद व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को जल्दबाजी में मंजूरी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है फेसबुक के बारे में। फेसबुक का एक नया मामला सामने आया। फेसबुक ने बताया है कि कम से कम 100 ऐप डेवलपर्स ने लगातार कई महीनों तक फेसबुक यूजर्स का निजी डेटा कलेक्ट किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फेसबुक पर यूजर्स का अकाउंट हैक हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।